तो मैं भी जी बात बताओ कि आपकी वार्तालाप रहमान से कब शुरू हुई, कैसे मतलब इस ये प्यार है जो परवान चढ़ा? मेरी 2020 में बात होना शुरू हुई थी, तो शादी हमने 2022 की तीसरे महीने की 16 तारीख को की है, तीसरे महीने की 16 को। पहले तो इमो पे हमारी बातचीत हुई है, हम लोग पहले दोस्त थे, दोस्ती में बस ऐसे प्यार हो गया, फिर शादी कर ली। तो पहले शादी का प्रस्ताव है वो किसने रखा, आपने या रहमान जी ने? नहीं, उन्होंने नहीं रखा, मैंने रखा था, लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं था हमारा। हम लोग अच्छे दोस्त थे, शादी की तो हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी, तो बस जैसे समझे बहन भाइयों में भी दोस्ती होती है, अच्छे दोस्तों में भी होती है, सेम ऐसी दोस्ती थी हमारी। तो ऐसा हमारे कोई शादी का नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं दो। तो लेकिन जब वो इंडिया आए हैं, उसके बाद वो वापस गए हैं, तो उदास उदास रहने लगे। मैंने पूछा था आपको क्या हुआ है, तो मैं भी अपने हर घर की बात शेयर करती थी, वो भी मेरे साथ शेयर करते थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी, जब मैं जाता हूँ ना, कभी मुझे खुशी नहीं रखा उसने, लड़ाई झगड़े, लड़ाई, दोस्तों के पास जाके क्यों बैठा है, बाहर क्यों गए हो, बस इसी बात पे झगड़ा मेरे साथ करना शुरू कर देती, कभी मेरे मोबाइलों की चेकिंग करने लग जाती। कहता मैं तो बहुत तंग आ गया इस वजह से ना। तो आगे से फिर मैंने उसको, मेरी भी उससे बात हुई है, 4-5 बार हुई है, मेरी पहली बीवी थी इनकी। तो उसके बाद उसको मैंने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपने शोर पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाओ, अपना घर बसाओ, खुश रहो। तो उसने आगे से मुझे बोला, जा तू उससे शादी कर ले। मैंने कहा मेरा शादी का कोई चांस नहीं है ना, मैंने शादी करनी, मेरा तुम दोनों खुश रहो, मैं बात भी नहीं करूँगी। फिर ऐसे रहमान के साथ लड़ाई झगड़े करती रही। वो जब आखिरी बार इधर से गए हैं, रो के गए हैं, बहुत रोए हैं वो, कहते हैं मेरे साथ ये इतने ड्रामे करती है, अभी रूम की तो मैं बात नहीं आपको बता सकती, ऐसे ऐसे मेरे साथ करती है ये। तो उसके बाद फिर मैंने अब मैं उसके दुख की सुनती रही हूँ, अपना सुनाती रही, ऐसे हमारे में प्यार हो गया। मैंने बस उन्हें बोला था कि हाँ मुझे आपसे प्यार हो गया।